हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो हमेशा की तरह बज रहे हैं दोस्तों 11 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, खाना अकेले अकेले खाया जा रहा है। तुमने पहले खा लिया तो अब हम क्या करें अकेले अकेले खाना। हाँ दोस्तों, मैंने थोड़ा सा पहले खा लिया, इसके पीछे का रीजन है ये देखो मेरे पैरों में नया जुगाड़। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। अच्छा है ना मम्मी, ऐसा देखो जुगाड़ तो फटा हुआ है, क्या हुआ है दम का लगा लेना देव। अच्छा है ना, ये पानी चला जाएगा अंदर, उसको क्या फायदा है, ये फटा हुआ है तो वहाँ बहुत सारे पड़े हैं, वहाँ से ले चलो नया लगा लेता हूँ। तो लिफाफे के पीछे की स्टोरी दोस्तों ये है कि मेरे दोनों पैरों में ना एक्चुअली हो रखा है इन्फेक्शन सा, थोड़ा खुजलाने से, आपको पता ही है, मैंने बताया था कुछ दिन पहले। तो डॉक्टर ने मना कराया कि भाई आप जो है पैरों को पानी बिल्कुल भी मत लगाना। एक पैर में बाइक से लगी थी, अब पता नहीं भाई गर्मी में आके वो भी हल्की हल्की ना थोड़ी ऐसी उसमें भी खारिश ही हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों पैरों से कुछ इस तरह से बांध लूँ। फिलहाल अभी फटाफट से मैं नहा लेता हूँ और उसके बाद हो जाता हूँ रेडी। तो लो जी, अभी मैं हो गया रेडी एंड जोजो को देख लो, पीछे से उसने भौंकना स्टार्ट कर दिया है। अब यार बोलते हैं ना कि आपका कोई ना हो तो उस मौके के ऊपर खुदा ही आपकी हेल्प करता है, कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। दोस्तों काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि यार चंडीगढ़ में हूँ, आपको पता है हमारे यहाँ पे पहाड़ों में जो रोड है बड़े डेंजरस से रहते हैं, ऊपर से ये जो गाड़ी मैंने ली है थोड़ी लंबी है तो मैं बेसिक भी चलाना नहीं जानता, मतलब कि कैसे क्लच छोड़े एक्सलेटर दे है ना, वो चीज़ें मुझे नहीं पता है। तो पहाड़ों में ना अक्सर ये चीज़ें कभी कभी रिस्क दे देती है, क्योंकि भाई आप मोड़ पे खड़े हो, गलती से आपने एक्सलेटर ज़्यादा दे दिया तो आप नीचे गिर जाओगे। तो ऐसे में मेरे मन से काफ़ी टाइम से था कि मैंने कहा यार कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कि भाई मुझे यहीं पर सिखा दे, और ऐसा हुआ भी। इसके पीछे भी एक बड़ी ना अमेजिंग सी स्टोरी है। चलिए, सीन ये हुआ ना दोस्तों कि जहाँ पर मैं रहता हूँ बस, इनफैक्ट शिवानी के फ्लैट से 4 फ्लैट आगे आप ले लो, हमारे यहाँ का अपना ही दोस्त मिल पड़ा, ठीक है। और भाई होपल जब मैं गाड़ी के पास खड़ा था और ये चीज़ सोच रहा था कि मैंने कहा मेरे को गाड़ी कौन सिखाएगा, गाड़ी कौन सिखाएगा, तो भाई अचानक निकल के आए, बोलते भाई मैं सिखाऊंगा आपको गाड़ी। मतलब कुछ ऐसी चीज़ हुई दोस्तों कि मान के चलो आपके दिमाग के अंदर किसी चीज़ को लेकर टेंशन चल रही है कि यार अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर जो मतलब ड्राइवर स्कूल होते हैं वहाँ पर जाऊँ या फिर किसी बंदे को बोलूँ, बट ऑटोमेटिकली वो चीज़ हुई। तो भाई मतलब आप समझ ही सकते हो, अब यार मैं ना आपको भाई से इंट्रोड्यूस तो नहीं करवा सकता, इसके पीछे कुछ रीज़न है, मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। बोल रहे हैं भाई कि कुछ टाइम के बाद उन्हें कैमरे के सामने आना है, खैर अभी नहीं आना है और अभी गाड़ी वही ड्राइव कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर जगह पे चलते हैं, कुछ ऐसा कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि मैं अच्छी तरह से ड्राइव कर सकूँ, मतलब लगभग हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस आए, तो ऐसा कोई रोड ढूँढ रहे हैं। तो चलो फटाफट से पहले तो पहुँचते हैं वहाँ पर। रवि भाई यहाँ पे राज फाइनली ड्राइव कर रहे हैं, आज तो भाई देख नहीं पाऊंगा बहुत ही अच्छा चला रहे हैं रवि भाई गाड़ी। पर एक चीज़ है ना ब्रो, मेरे हिसाब से थोड़े थोड़े टेढ़े मेढ़े मोड़ होते हैं ना, क्या हो गया घास से दिन लग रही थोड़ा सा चढ़ा गए थे, कोई दिक्कत इससे कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं घास है मेरे इधर पे ना। एक चीज़ का मेरे को बहुत डर लग रहा है, बताए यहाँ पे अक्सर देखा मैंने लिंक रोड होते हैं, जैसे कि मैं घर पे शिवानी की स्कूटी चलाता हूँ तो लिंक रोड होते हैं ना बीच में से जो रोड निकल के आते हैं, तो बड़ी टाइम मैंने ऐसे देखा है कि अनफॉर्चुनेटली आगे से गाड़ी गुड़ी निकल आती है लिंक रोड में से, और फिर भाई संभालना जो है ना मुश्किल सा काम हो जाता है, मतलब वहाँ पर मैं बड़ा वो सा हो जाता हूँ अनकम्फर्टेबल सा। कोई नहीं, आप सीख जाओगे बहुत जल्द। आज आपका कैसा एक्सपीरियंस है, सेकेंड डे है, आप अच्छी कार चला रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? मैं सही बताऊं तो काफ़ी अच्छा। अभी यहाँ का आपने स्लो करना है, बस स्लो करना है, कुछ नहीं करना है, रेस दो हल्की सी। अच्छा, इस उस मोड़ने में? हाँ राइट है, हाँ हाँ आराम से मोड़ूंगा बिल्कुल। सीधा करो स्टीयरिंग, फिर आपको मोड मिल गया फाइनली, आप मोड ढूंढ रहे थे थोड़ी देर पहले, एक और आ गया है लेफ्ट साइड का, वो चीज भी हो गई मोड पे हमेशा रेस से पैर हटा लेना होता है ना। हाँ, अगर स्पीड ज्यादा है तो पीछे से टक्कर आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कर लो, यहाँ पे राइट रखो थोड़ा सा, राइट 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 लेफ्ट करो, बस रोक दो क्लच और ब्रेक को आके, बस रोक। क्या गलती की आपने? एकदम से ब्रेक मारी, क्लच छोड़ दिया। क्लच तो मैंने छोड़ा नहीं, बंद नहीं हुई गाड़ी, छोड़ा हुआ दिख रहा है यहाँ से, छोड़ दिया, फुल क्लच नहीं छोड़ा, छोड़ा है, बंद है गाड़ी, गाड़ी बंद है। कितने पे आ गया? 0 पे बंद है, गाड़ी बंद हो गई है। क्या लगा आपको, क्या गलती की आपने? क्लच छोड़ दिया एकदम से, बट एक बात बताऊँ, मैंने फुल क्लच प्रेस नहीं किया था।
फाइनली आज हम एक गांव के रोड पे आए हैं जहाँ पे काफी कम ट्रैफिक है। इस साइड पे लेके चले कच्ची साइड पे यार, ये पता नहीं कहीं किसी के घर में ना घुस जाए। अभी क्या करना, आगे चलना है वापस? आगे चलो, स्टार्ट करो दोबारा से। हाँ तो पहले क्लच दबाओ, हैंड ब्रेक लगा लो, नहीं जरूरत नहीं है, ब्रेक दबा, फुट ब्रेक क्लच दबाओ, क्लच स्टार्ट ब्रेक, और ये दबा के रखो ना। यस गुड। आप पीछे देखो पहले कुछ आ रहा है? हाँ एक कार तो आ रही है, जाने दो। निकल गया, हल्का सा राइट लो स्टीयरिंग। चलो निकालो, पहले ब्रेक छोड़ दूँ? हाँ। रेस तो नहीं देनी है ना? नहीं, पीछे भी देख रहे हो ना? हाँ। कुछ आ तो नहीं रहा। चलो लेफ्ट ले लो स्टीयरिंग थोड़ा सा। हाँ गुड, चलो सेकंड गियर। पहले भी नहीं चलने दोगे मतलब ना? रोड के हिसाब से यहाँ पे सेकंड चाहिए कम से कम। चलो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कैसा फील हो रहा है आपको, सामने कुछ लोग खड़े हैं गाड़ी के साइड पे, आप कैसे निकालोगे? क्या चल रहा है दिमाग? पीछे कुछ आ तो नहीं रहा है? पीछे नहीं आ रहा फिलहाल, कोशिश करूंगा जब तक पीछे ना आए तो प्यार से निकाल लो। हाँ कोशिश करो, राइट साइड रखो गाड़ी अगर पीछे नहीं आ रहा कुछ भी, तो फोन मारो। हाँ चलो राइट साइड रखो, निकालो 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 निकल, राइट साइड रखो, राइट साइड। बस अब आपने अपनी साइड रखनी है, चुपचाप चले जाओ। फिर क्या लग रहा है अब आपको, आपने आज ओवरटेक भी कर लिया फाइनली? नहीं ओवरटेक ड्राइविंग, ओवरटेक मैं इसको नहीं बोलूँगा, ओवरटेक मानूंगा मैं उस चीज़ को जबकि मैं मतलब क्लच दबाओ, क्लच दबा लो पूरा, राइट साइड रखो गाड़ी, ब्रेक नहीं दबानी है, एक्सलरेट एक्सलरेट करो, चलने चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लाइन पे चलता रहो। ऑटो वाले यार थोड़ा बड़ा ही क्लोज से जाते हैं, मैंने नोटिस किया ये चीज़ है ना, ज़्यादा ही डरा देते हैं बंदे को। एक्सपीरियंस शो करना होता है ना इन्होंने। नहीं भाई नहीं भाई, यूट्यूब पे मैंने एक राइडर की वीडियो देखी थी, ऐसे भाई के बारे में आपको बता दूं मैं कि ये स्टंट भी करते हैं परफॉर्मेंस ने कहा, तो स्टंट से मुझे ना कुछ याद आया, यूट्यूब पे एक्चुअली एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने कि एक बंदा स्टंट कर रहा होता है और ऑटो वाला आके ऑटोमेटिकली ठुक जाता है, और वो चीज़ बड़ी प्यारी थी और पॉपुलर भी काफ़ी हुई थी, मतलब लोगों को काफ़ी वो लगा था कि भाई ऐसा भी होता है। खैर छोड़ो ब्रो, आप बताओ सही चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड डे ऑफ एक्सपीरियंस ड्राइविंग होंडा सिटी। ये ऐसे ऐसे रोड जो होते हैं इनसे डर लग जाता है। अब आप क्लच दबाओ, पीछे कुछ आ तो नहीं रहा है? नहीं। क्लच दबाओ पूरा, ब्रेक से पाँव उठा लो, राइट साइड मोड़ दो, गाड़ी नहीं आ रहा तो यहाँ से। हाँ सीधा चलो, स्टीयरिंग सीधा, बस क्लच दबा के ब्रेक मार दो, क्लच दबा ब्रेक दबाओ, बंद नहीं होनी चाहिए गाड़ी। रिवर्स गियर डालो, रिवर्स का नहीं डालो है? डालो, क्लच नहीं छोड़ना, रिवर्स में ब्रो मैं खुले में ही लेता हूँ पंगे। डालो तो सही, डालो तो सही, तभी सीखोगे। ब्रेक दबाए रखो, ब्रेक हाँ दबाए रखो, आप क्लच दबा के आगे से, आगे से आगे भाई, कोई सीन नहीं, आप रिवर्स डालो, मैं आगे करके करूँ? नहीं नहीं, आप रिवर्स यहीं से डलेगा ना तभी पीछे जाएगी। नहीं नहीं, आप रिवर्स में करना कंफर्टेबल हो जाऊंगा, आगे नहीं हो गया अनकंफर्टेबल, आप डालो तो सही, आगे कर लेता हूं पहले थोड़ी सी, वो बन गया, आप रिवर्स डालो जल्दी, देखो ट्रैफिक जाम हो जाएगा सारा, निकल नहीं जाएंगे। नहीं क्लच छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, हाँ ब्रेक छोड़ो, क्लच छोड़ो, पीछे देखो पूरा कट मारो ऐसे, पूरा फुल क्लच दबा लो, ब्रेक भी दबा लो, क्लच दबाओ। कोई सीन नहीं, निकाल ली उसने, क्लच छोड़ दी आपने, नहीं छोड़ा, पूरा पूरा दबाओ, क्लच छोड़ दो, पूरा दबाओ क्लच, पूरा दबाओ। हाँ अब ब्रेक से पाँव उठा लो, उठा लिया। हाँ रिवर्स करो, मतलब क्लच छोड़ो धीरे धीरे।
दिवस। क्लच दबा लो, ब्रेक पे पाव रखो, क्लच पूरा दबाओ, क्लच आपने हाफ दबाया, गुड, फर्स्ट गियर डालो। तो ये तो चलो पहले गियर डालो, डाल दिया है, कट मारो पूरा, पीछे देखो कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। चलो छोड़ो धीरे धीरे क्लच, कट पूरा मार दो फुल, जाने दो जो भी आ रहा है, ब्रेक पे पाव रखो, क्लच पूरा दबाओ, क्लच पूरा दबाना है, हल्का हल्का पाँव रखना होता है, क्लच छोड़ो, ब्रेक से पाँव उठा लो, अब पीछे देख के कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है शीशे में, निकालो गाड़ी, सामने भी देखो, रेस नहीं देनी है, अंदर घुमाओ गाड़ी, रेस दे दो, चलो सामने देख के सीधा सीधा, ठीक है जी, ओके, सेकंड गियर, से फिर से कुछ लोग आ रहे हैं, ध्यान रखो, केडी ड्राइवर्स, बी वेयर ऑफ केडी ड्राइवर्स, सामने वाले लोग पीछे कुछ आ तो नहीं रहा है? नहीं, सामने वाले लोग बहुत खुश हो रहे हैं ये हम बच गए एक और आ रहा है व्यक्ति सामने से, देखो वेलकम ब्रो, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सेफ, कुछ ऑफर दो, बोले चलना चाहोगे हमारे साथ किसी को भी ऑफर दो, कुछ भी ऑफर दो, नहीं मुझे चीज समझ नहीं आई, मतलब ठीक है मैं कर रहा हूँ ड्राइव, आप अपनी सीट पे आराम से बैठे हो, तो आपने भी कुछ ना कुछ तो सेफ्टी के लिए जुगाड़ सोचा ही होगा कि क्या रखना है मेरे को पता, जो मैं बोलूंगा आप कर लोगे, बस उस पे विश्वास है, मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ, मुझे नहीं होगा, मुझे चलो चलो आप, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, नहीं होते यार, काफ़ी देर जो है वो राइड करी, लगभग 2-2.5 घंटे का एक्सपीरियंस, ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत सही था, बट ना एक्चुअली हमें भाई फिर से वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर हालत क्या हो गई है, मतलब सड़कों में ना दोस्तों बाढ़ सी आ गई है, मतलब इस तरह की कुछ कंडीशन चल रखी है पूरे यहाँ पे, यहाँ पे हम रहते हैं ना जरकपुर में भाई, हर जगह पानी ही पानी, मतलब एक तो यार बड़ी मुश्किल से बारिश होती है, क्या बोलते हो भाई, है ना, और आज जब हुई है ना भाई तो ऐसी हुई है मतलब कि देखने लायक है, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं, ऐसा सीन चल रहा था पूरी की पूरी गाड़ियों का, और कहीं कहीं तो भाई गाड़ी ठीक ठाक डूब रही है, तो अभी हमने डिसीजन लिया है कि फटाफट से निकलना पड़ेगा घर को, क्योंकि भाई बोल रहे थे एक्चुअली कि होता ये है कि यहाँ पे ना रोड हद से ज़्यादा ही भर जाते हैं, देखो भाई आप खुद से देखो कितना कितना पानी अभी चल रहा है ना, और मैं अगर आपको थोड़ा सा शीशा डाउन करके दिखाऊं, भाई सामने देखो एक्सयूवी को देख लो आप, यहीं से समझ सकते हो एक्चुअली चल क्या रहा है और कितना पानी हो रखा है भाई, पानी ही पानी भाई, ये कंडीशन है अभी, ये देख लो भाई गाड़ी क्या रहा है, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, बंदे भी भाई आप पेंट उतार के चल रहे हैं नहीं यार चड्डी में था, सॉरी भाई गलती है, देख लो सॉरी ब्रो चड्डी में नहीं बोला, ऐसा कुछ मंजर चल रहा है दोस्तों, हर तरफ पानी ही पानी हो रखा है, तो अभी हम निकलते हैं फटाफट से। गाइज अभी टाइम हो रहा है शाम का एंड बारिश हो चुकी है भाई पूरी तरह से खत्म, एंड सही बताओ ना भाई तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी ज़्यादा जो नई चीज़ें हैं वो सीखने को मिली, और भाई खासकर यहाँ की बारिश भी देखी तो मतलब ऐसा लग रहा था भाई कि बाढ़ ना आ गई हो। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ इंस्टाग्राम पे तो आप लोग यार फॉलो कर ही दो, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय।